महात्मा कबीर दास के जीवन परिचय को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कैसे याद करें, जिसकी वजह से उन्हें बोर्ड एग्जाम में परेशानी हो सकती है। तो घबराइए मत, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि एडल्ट अकेडमी लाया है एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ जीवन परिचय कबीर दास। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कबीर दास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं भी, जिसे देखने के बाद इतनी आसानी से जीवन परिचय याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो को करते हैं शुरू और आप भी हो जाइए तैयार। महात्मा कबीर दास का जन्म सन लगभग 1398 ईस्वी में काशी के समीप लहरतारा तालाब के किनारे सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में तीन मतभेद हैं, काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काशी मानना ही उचित है। इनके पिता का नाम स्वामी रामानंद था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाहा ने किया था। इनका विवाह लुई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम के दो संतान उत्पन्न हुए। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर कबीर दास जी महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। इनका निधन लगभग सन 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में हो गया। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर आप शुरू शुरू में पढ़ाई स्टार्ट किए हैं तो इसके अलावा और भी शब्द महत्वपूर्ण लग रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। रचना, इनकी तीन मुख्य रचनाएं हैं जो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी, जो इस प्रकार हैं, साखी, सबद, रमैनी। इनकी भाषा है पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी। उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जरूर कुछ अनुभव मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के लास्ट में बस इतना कहना चाहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर।